आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक बेहतरीन कैमरा फ़ोन जो कि आता है 20,000 से नीचे की प्राइस में। ये फ़ोन है IQ Gen 7 और Gen 7 S। दो फोन ही है, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कैमरा काफ़ी अच्छा है, OIS के साथ आता है, सोनी सेंसर का कैमरा है, तो काफ़ी दमदार फ़ोन होने वाला है। एवरेज डिस्प्ले, 5G, सारे फीचर्स हैं वो भर भर के दिए गए हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक, मेरा नाम है सचिन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये अपने पास मैन डिवाइस, अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की अगर कुछ बातचीत हम करें इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा मई की मैन्युफैक्चरिंग है। लेटेस्ट है, 6GB रैम है, 128GB इसका स्टोरेज है। इसके अलावा जो मैक्सिमम MRP है वो है 23,999 और ये हमें मिल जाता है 18,999 में। 1500 का डिस्काउंट मिलता है तो 17,499 में भी हमें मिल सकता है। मेड इन इंडिया है, नोएडा में बना है। ओपन करते हैं, सबसे पहले ओपन करते ही हमें ऊपर ही ऊपर मिल जाता है अपनी मेन है वो यूनिट, और काफ़ी स्लीक है एकदम, मतलब थिकनेस है वो काफ़ी कम है, 7.8 mm है, और वेट भी काफ़ी कम है, 180 ग्राम के अराउंड इसका वेट है। ये कुछ IMEI नंबर स्टिकर्स हैं। नीचे की तरफ जाए तो ये एक इसका पेपर वर्क है, साथ में एक ये पीला होने वाला थोड़े दिन में ही TPU केस है, लेकिन प्रोटेक्टिंग के लिए कुल मिला के ठीक है। यहाँ हमें एक केबल मिल जाती है जो कि है USB टाइप ए टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल, और ये हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, और यहाँ है अपने पास बड़ा सारा पावर एडेप्टर जिस पे ब्रांडिंग है वीवो की। और अगर इसकी आउटपुट की हम बात करें तो मैक्सिमम आउटपुट है वो है 11V 4A मैक्सिमम, यानी कि 44V की ये चार्जिंग एक्सेप्ट करता है, एक घंटे में फोन को पूरा चार्ज कर देगा आपके। बाकी चीज़ों को करते हैं साइड में और आते हैं सबसे पहले अपने फ़ोन पे, और फ़ोन को निकालते हैं। और फ़ोन कुछ इस तरीके से है, आप अगर ओवरव्यू की बात करें तो लेफ़्ट साइड है वो पूरी तरीके से क्लीन है। बॉटम साइड की हम बात करें तो यहाँ हमें मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, 3.5 mm जैक, USB टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल। कमी एक ही है कि इसमें सिंगल स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर नहीं दिया गया है। बात करें अगर हम राइट साइड की तो यहाँ मिल जाता है पावर बटन, ऊपर की तरफ वॉल्यूम रोकर बटन जो कि बिल्कुल छोटे से हैं। टॉप साइड की बात करें तो यहाँ एक सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है, और यहाँ मिल जाती है हमें सिम ट्रे, और सिम है वो हम चेक कर लेते हैं इसमें हाइब्रिड स्लॉट है या नहीं है। और बिल्कुल इसमें एक हाइब्रिड स्लॉट है, एक सिम या एक मेमोरी कार्ड या फिर दो सिम है वो आप इसमें एक साथ लगा सकते हैं। बैक साइड की बात करें तो यहाँ ड्यूअल कैमरा सेटअप है, 64MP का OIS कैमरा दिया गया है यहाँ, साथ ही साथ OIS की ब्रांडिंग भी की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और सेकेंडरी कैमरा वो एक 2MP का कैमरा है जो कि पोर्ट्रेट के लिए काम आएगा। यहाँ एक LED फ्लैश दिया गया है, और यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है जो कि लिखा गया है फोटोग्राफी हाई डेफिनेशन। और नीचे की तरफ है IQ की ब्रांडिंग, मैट ब्लैक कलर है, पीछे से एकदम मैट फिनिशिंग है। स्क्रीन प्रोटेक्टिंग फिल्म है वो ऑलरेडी चिपकी हुई है। यहाँ हमें एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है 16MP का, और नीचे जो चिन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, आप यहाँ देख सकते हो। एक बार हम इसको ऑन कर लेते हैं। स्नैपड्रैगन का 695 है वो प्रोसेसर दिया गया है, जो कि कुल मिला के एक अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। फ़ोन हो चुका है अपना बूट, और ब्लॉटवेयर में कोई ज़्यादा फालतू की एप्लीकेशन नहीं है, एक दो शेयर चैट वगैरह है जो कि हम आराम से है वो अनइंस्टॉल इनको कर सकते हैं। स्पॉटिफाई हमें मिल जाता है, स्पॉटिफाई को भी हम अगर देखते हैं अनइंस्टॉल कर पाते हैं या नहीं, बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। स्नैपचैट भी मिलता है, स्नैपचैट को भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रूकॉलर भी इसके अंदर साथ मिला हुआ आता है, और भी दो चार एप्लीकेशन है जो कि आसानी से है वो अनइंस्टॉल हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसके सिक्योरिटी सिस्टम की, तो इसमें मैंने फेस इनरोल और फिंगरप्रिंट दोनों इनरोल कर लिए हैं। तो सबसे पहले इसका फेस ट्राई करते हैं, और बिल्कुल लॉक है वो आप देख सकते हो, एकदम इजीली है वो जो लॉक है वो अनलॉक हो रहा है। अब हम ट्राई करते हैं इसकी फिंगर, और फिंगर के लिए हम बिल्कुल फास्ट है, दोबारा से करते हैं, बड़ा ही जल्दी है वो फिंगर है वो काम कर रहा है। एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर है वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर बात करें इसकी सिक्योरिटी सिस्टम की तो वो भी एक बार हम अबाउट फोन में जाके है वो देख लेते हैं। प्रोसेसर है वो 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर है, 6GB की रैम है, और 6GB की है वो हम वर्चुअल रैम इसके अंदर सेट कर सकते हैं।
फनटच ओएस 13 आता है जो कि एंड्रॉयड के वर्जन 13 पे डिपेंड है और ये एंड्रॉयड 13 है। स्टोरेज है वो 128 GB है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी पेस लेवल है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अप्रैल का सिक्योरिटी पेस लेवल है तो वो भी जल्दी ही, शायद अभी मैंने इंटरनेट को कनेक्ट नहीं किया, अगर कनेक्ट करूँगा तो मई का या फिर जून का मिल जाएगा हमें। अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। बाकी डिज़ाइन है वो बॉक्स डिज़ाइन है तो काफ़ी शानदार डिज़ाइन है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है डिज़ाइन के अंदर। एकदम स्लीक फ़ोन है, लाइट वेट फ़ोन है। और सबसे पहले हम ओपन करते हैं इसका कैमरा ऐप। कैमरा में हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा है वो देखने को मिल जाती हैं। तो हमें नाइट मोड है वो मिल जाता है, उसके अलावा पोर्ट्रेट मिल जाता है, पोर्ट्रेट में काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं वो मिल जाती हैं, फिल्टर मिल जाते हैं, लाइट इफेक्ट मिल जाते हैं। उसके अलावा फ़ोटो है, फ़ोटो में भी सेम है, वो हमें फ़िल्टर मिल जाते हैं और लाइट इफेक्ट मिल जाते हैं, दो तरीके की चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा वीडियो है, वीडियो में हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। स्टेबलाइजेशन मिलता है, स्टेबलाइजेशन में हमें सिर्फ एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला है वही एक स्टेबलाइजेशन हमें मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग है वो हम फुल HD कर सकते हैं 60 FPS तक। उसके साथ सेटिंग है, सेटिंग में हम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और मूवी मोड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो डिस्प्ले है वो कुछ इस तरीके से है वो काम करेगी मूवी मोड में। मूवी मोड है वो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। उसके अलावा माइक्रो मूवी का एक ऑप्शन है, मोर ऑप्शन है। मोर ऑप्शन में जाने के बाद में हमें डबल एक्सपोजर का मिल जाता है, ड्यूअल व्यू मिल जाता है, जहाँ हम फ्रंट और रियर है वो दोनों कैमरा है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मोर में हम देखते हैं लाइव फोटो का ऑप्शन है, AR स्टिकर का, स्लो मोशन वीडियोज़ है, पैनोरमा है, 64 MP का अलग से एक सेटअप दिया गया है अगर 64 MP में हमें फ़ोटोज़ लेनी है, डॉक्यूमेंट रीड करने हैं, प्रो मोड भी दिया गया है। तो फीचर्स हैं वो काफ़ी सारे दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम सेल्फ़ी की, और सेल्फ़ी में आप देख सकते हो ये पोर्ट्रेट है, डायरेक्ट है, नाइट का ऑप्शन है, नॉर्मल फ़ोटो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है, माइक्रो मूवी वो हम फ्रंट से भी है वो कर सकते हैं। उसके अलावा मोर ऑप्शन, इसके अंदर भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ मेजर प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात करें तो उसकी देखते हैं। एक तो हमें इस प्राइस के अंदर ड्यू ड्रॉप नॉच है वो देखने को मिलती है, अगर पंच ऑन होता तो ज़्यादा अच्छा था। दूसरी चीज़ है जो चिन है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर चिन थोड़ी सी कम होती तो और अच्छा होता। उसके अलावा इसमें कोई भी कॉन्स नहीं है, सारे प्रो ही प्रो हैं। कैमरा अच्छा है, OIS दिया गया है, प्रोसेसर भी कुल मिला के अच्छा है। जो N22 बेंचमार्क है उस पर 400,000 तक का स्कोर है वो एक करता है। हालांकि जो Z7 आता है, ओनली Z7 आता है जिसमें MediaTek का प्रोसेसर आता है, वो 500,000 तक का स्कोर है वो करता है। लेकिन फिलहाल मार्केट में है वो Z7S ही नया लॉन्च हुआ है और यही अवेलेबल है स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर के साथ में। अब मैं इसका टेस्ट करूँगा कैमरा, और कैमरा के लिए मैं कुछ सैंपल्स है वो आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो और फोटोज़ दोनों के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये है मोरपंख, और कुछ मिला के अच्छी क्वालिटी है, नेचर क्वालिटी है वो अच्छी आ रही है। ये हमारी गाय भी अच्छा पोज दे रही है, जो फोटोज़ है वो अच्छी आ रही हैं, चीकू है वो भी अच्छे से दिख रहा है, जामुन भी अच्छे से दिख रहे हैं। सेल्फी की अगर मैं बात करूँ तो पोर्ट्रेट है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और जो नॉर्मल है वो भी काफ़ी अच्छी है। 64 MP वाला जो कैमरा है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बात करें अगर वीडियोग्राफी की, तो वीडियो में आप देख सकते हैं पानी की बूंदें आपको एकदम अच्छे से दिखाई दे रही हैं, और मैं इसको जो OIS है वो भी पूरी तरीके से काम में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। फोकस वो थोड़ा सा हल्का सा लेट है वो कंसिडर होता है, लेकिन जूम करने पे, ज़्यादा जूम करने पे चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ब्लर ज़रूर होती हैं, लेकिन 3x तक सही है। 3x से ज़्यादा 10x पे जाते हैं तब जाके दिक्कत है वो थोड़ी लगती है। तो यही था इसका पूरा रिव्यू और पूरा सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो वो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 10x जूम भी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस टाइम पे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।